Dear students in this module we are going to discuss about anticipatory socialization anticipatory socialization is a process of learning and adopting behaviors norms and values associated with the future role or status in this context of education anticipatory socialization involves preparing students for future roles and responsibilities इन दर्क फोर्स एंड सोसाइटी एट ए लार्ज जब हम एंटी सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो असल में हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको फ्यूचर के अंदर एक मुफीद शहरी बनाने में किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर एंटी स्पेट्री का जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल्स को फ्यूचर के लिए तैयार करता है वो उनको एक मुफीद शहरी बनाता है एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ जो है उसकी मॉरल वैल्यूज़ को भी जो है वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, एंटी सोशलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एज इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वैरायटी ऑफ रोल्स इन इकॉनमी एंड सोसाइटी एज डॉक्टर्स इंजीनियर्स एंड सिविल सर्वेंट्स

प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवाएं अगर बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद है और वो कंपीट कर सकता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को नेचुरल साइंसेस के डिसप्लिनस की तरफ भेजें ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली सोशल साइंसेस डिसप्लिन जो हैं वो उनको हम सेकंड कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो बच्चे जो नेचुरल साइंसेस डिसप्लिन में कम्पीट नहीं कर पाते हैं या पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए कम्पीट नहीं कर पाते हैं जैसे कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेटिक्स ब्यूरोक्रेट्स तो उनको फिर जो है वो हम सोशल साइंसेज की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं तो इस तरह से ये जो एंटी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है ये फ्यूचर के प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर करता है इसके साथ साथ जो है हम हमारे एजुकेशन uh, सिस्टम के अंदर जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ये है कि हम बच्चे को एक मुफीद शहरी किस तरह से बना सकते हैं उसकी सोशलाइजेशन किस तरह की जा सकती है और ख़ास तौर पे उसके बिहेवियर के अंदर वो चीज़ें इनकलकेट की जाएँ ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो एक अच्छा शहरी बन सके अच्छे शहरी से मुराद ये है कि अ गुड सिटीजन नीड टू हैव गुड मॉरल स्किल्स एंड गुड सोशल स्किल्स By engaging इन anticipatory सोशलाइजेशन स्टूडेंट्स कैन develop द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू सक्सीड इन their फ्यूचर रोल्स However,

तो इसमें एक अन इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बच्चों के अंदर इस तरह का कंपटीशन जो है वो सेंस ऑफ इनिटी पैदा करता है और बाद बच्चों के अंदर जो है वो इंफ्रियोरिटी और सपेरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी पैदा हो जाते हैं तो ये एंटीसपेटरी सोशलाइजेशन के कुछ अनएटिसपेटिड कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जिनको के मिटिगेट किया जा सकता है देर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिटिकली एवेल्यूट द वेज़ इन विच

जो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हैं वो क्या हैं और जो अन इंटेंडिड कॉन्सिक्वेंस हैं वो क्या हैं और किस तरह से ये आ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ंक्शनल है नॉन फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है तो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर देखें कि एंटीसपेटरी सोशलाइजेशन के जो एम्स गोल या मकासद क्या हैं और क्या वो अक्रॉस द बोर्ड एक जैसे हैं मसलन पब्लिक स्कूल के अंदर भी और प्राइवेट स्कूल के अंदर भी और फिर किस तरह से फ्यूचर के हवाले से बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन से वो मकाद हैं जिनको मद्द नज़र रखा जाता है